सो अभी हम लोग जा रहे हैं खुशी कलान शनि मंदिर। अभी मेट्रो से मैं मोहित के पास जा रहा हूँ और ये व्यूज नज़ारे देखो यार, क्या मौसम हो रहा है, मस्त एकदम कम मज़ा आ रहा है, मौसम पूरा साथ दे रहा है हमारा, बहुत मज़ा आ रहा है हम लोग। सो अब हम लोग का प्लान बन चुका है, हम लोग कोसी कलान जा रहे हैं और हम लोग कार में बैठ चुके हैं। अभी मैं मोहित के घर आया था पहले मेट्रो से, फिर मोहित ने मुझे पिक किया। लेट्स हम लोग अब जा रहे हैं कोसी कलान। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से रेंज है कह सकते हो 100 किलोमीटर्स, और ये नया ब्रिज बना है आप देख ही रहे हो। विंडस्क्रीन में थोड़ा बारिश पड़ रहा है, मौसम बहुत अच्छा हो गया है एंड विंडस्क्रीन में थोड़ी बारिश की बूंदें आ रही हैं। ये बहुत अच्छा मस्त हाईवे बना दिया हम लोगों ने अभी, यही हाईवे आई थिंक सो जो मुंबई जाएगा, आगे से कनेक्टिविटी होगी इसकी वही बस। बट यार बहुत अच्छा बना है लोगों ने यार ब्रिज, बट कोविड टाइम पे इस ब्रिज में भी हादसा हो चुका है क्योंकि ये बनते बनते एक बार ब्रिज की कुछ लाइन्स गिर गई थी, बट बहुत अच्छा ब्रिज बनाया है लोगों ने यार, शानदार। बाकी भी वही बैठी है एंड वो सिस्टर बैठी है, हम लोग आराम से आ रहे हैं, मोहित ड्राइव कर रहा है अभी। क्या मोहित कुछ अपना सही से बताया यार, कैसा लग रहा है ड्राइव करते हुए फोर व्हीलर को? यार फर्स्ट टाइम ड्राइव कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा था ड्राइव करते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है हाईवे वाला। प्रशांत ने बताया था ना, हमारे फ्रेंड है प्रशांत, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड अस कि ये भैया बहुत अच्छा हाईवे बनाए, कार से जाओगे और मज़ा आएगा तुम लोगों को। मैं तो स्कूटी से ड्राइव कर रहा था यहाँ पर, बट बहुत वाकई में काफ़ी अच्छा बनाया हाईवे इन लोगों ने, और बेटर होता। अच्छा चल लेट्स सी, देखते कैसा लगता है रोड, मज़ा आना चाहिए तुम लोगों को। और ये प्लान हम लोगों का ना बहुत अचानक बना एकदम से, क्योंकि मैं घर पर थोड़ा शॉपिंग कर रहा था बाहर निकल के, तो मोहित का फोन आया मेरे पास, कहता भाई चलते हैं चल कोकिल में जब चलते हैं, सैटरडे वैसे ही है आज, कहता है वही बुलावा आ जाता है एकदम से चले आया उठकर, बुलावा अनप्लान ट्रिप है हम लोगों का ये, बट मज़ा हम लोगों का आ रहा है। अभी स्टार्ट आ चुका है, हम लोगों ने थोड़ा अब हैवी लंच भी कर लिया हम लोगों ने, और हमारे मोस्टली अनप्लान ही होते हैं। हाँ ये तो है, वही तो अनप्लान प्लान होते हैं हमारे मोस्टली, अगर तो रिकॉल करेगा ना जितने भी, हाँ तो सारी अनप्लान ही होती है। हाँ अनप्लान ही रही हम लोग के ट्रिप्स, वाकई में स्लो कर थोड़ा स्पीड। सो अब हम लोग देखो इसी हाईवे पे चल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, क्या शानदार व्यूज़ है देखने वाले इस हाईवे से यार, वाकई में क्या शानदार है, और ये एलिवेटेड हाईवे है पूरा का पूरा कंप्लीट उधर, वाकई में यार बहुत मज़ा आ रहा है हम लोगों को जहाँ घूमने में, बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है, कार में तो बैठ के सुकून आते ही आता है। बाकी जब मोटर व्लॉगिंग करेंगे हम लोग बाइक पर बैठ के, तब बाइक के ही मज़े लेंगे, फिलहाल कार के मज़े ले रहे हैं हम लोग, वाकई में बहुत मज़ा आ रहा है हम लोगों को। और कम्प्लीटली रोड हाईवे ऐसे ही बना हुआ है, कोई इसमें कटवट भी नहीं है, कम्प्लीटली चलते रहो आप यहाँ से सीधा। अभी सोने ऐसे अप्रॉक्सीमेटली 11 किलोमीटर रह गया है, आपको दिखी अगर लेफ्ट के अंदर इसमें भी जस्ट, बहुत शानदार हाईवे बनाया है उन्होंने हरियाणा गवर्नमेंट ने, बहुत अच्छे हाईवे बनाया है। वेल देखो कब तक हम लोग अब पहुँचते हैं, सो अब देखो हम लोग कब तक पहुँचते हैं कोकिलावन। अगर आगे प्लान बना हम लोगों का जाने का तो वृंदावन भी जा सकते हैं, बट वी आर नॉट श्योर कि हम जाएंगे ही जाएंगे, बट जो मन में अभी फिलहाल है हम कोकिलावन तक ही जाएंगे, बाकी अभी कुछ प्लान नहीं है ऐसा कुछ, अभी लेट्स सी कैसा क्या होता है। और मोहित मज़ा आ रहा ट्रिप करने को? अभी तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा जब हम केएमपी पे चढ़ जाएंगे, केएमपी हाँ उस पर मज़ा आएगा हम लोगों को, वो तो और भी बेटर है ट्रैक पर, मज़ा तो उधर आएगा। तो अब ये सोना वाला टोल आ गया है, अब लेट्स सी देखो टोल कितना कटता है, और फास्टैग के अंदर से कटेगा अमाउंट, तो ये देखो कितना डायरेक्ट होता है, ये वेट करते हैं अभी देखते हैं। लेट्स सी इसी आ गया, बस पहुँच गए हम लोग, बाकी यार वाकई बहुत अच्छा हाईवे बनाया उन्होंने वाले यार, आगे लाइफ में ऐसे इन्जॉय करते रहना चाहिए हम लोगों को, तो यार इन्जॉय करते ही रहो बस लाइफ के अंदर, मस्ती करते रहो। टोल देखो कितना कटता है, यहाँ से निकल गया, प्राइस नहीं आया, चलो खैर कोई नहीं, निकल गया यहाँ से, याद आ रहा बड़े बड़े हाईवे एक्सेस पर आकर तो। अरे मोहित चेक करता हुआ कितना मेरे पैसे कटे खाते से, जरूरी है ना? हाँ जरूरी है, चेक कर लेना बस टोल कितना कटा है हम लोगों का, पता नहीं कितना काट लिया, कोई नहीं इतना कटे देख लेंगे, कोई नहीं छोड़ना देख लेंगे जब भी आएगा। बाकी और कुछ स्टेशन बता अपना, कुछ ट्रिप व्रिप के बारे में कुछ कैसा रहेगा और आगे हमारी क्या प्लानिंग्स रहेंगी? भाई देखो अगर एस्टिमेटेड टाइम में हम 5:30 तक पहुंच जाएंगे, ठीक है, तो
लेकिन अगर नहीं पहुंच पाए तो उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है। लेकिन अगर हम एस्टिमेटेड टाइम से पहले पहुंच गए तो दर्शन करके जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे वृंदावन का भी एक राउंड लग जाएगा। तो नाइट में हो पाएगा पॉसिबल, लेकिन फिर भी कोशिश रहेगी हमारी। अच्छा अच्छा, चल देखते हैं क्या होता है। बाकी अनप्लान ट्रिप है हम लोगों का, मजे तो करने हम लोगों ने पूरे पूरे, और देखो लेट्स सी। बाकी मज़ा तो आ रहा है चलाने घूमने को, बट एक्चुअली में मौसम भी बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बात तो मौसम की, मौसम जा रहा है ड्राइव करने की। और ये हमारे लेफ्ट साइड से रास्ता निकल गया है जो मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का बना है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे जो है। ये मेरे राइट साइड से आप देख रहे हो जाता हुआ पूरा, ये ऊपर जो है ना पूरा ये रास्ता, ये आगे वाला ये मुंबई एक्सप्रेस हाईवे है। अब इससे वो ये मुंबई कह रहे हैं कि आप आराम से 14-15 घंटे में मुंबई पहुंच जाओगे दिल्ली से। देखो लगता नहीं लगता, एक्चुअली 1400 किलोमीटर है तो पर घंटा अप्रॉक्सीमेटली 1000 की स्पीड 100 की स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी विदाउट स्टॉपिंग, तो आप पहुंच जाओगे इजीली। बट वही है, तो हम लोग अब के एम पी हाईवे पर ही हैं अभी। और मौसम देखो यार पूरा साथ दे रहा है हम लोगों का, बारिश शुरू हो गई है झमाझम सी, और देखो ग्रीनरी कितनी ज़्यादा हो गई है, देख ही सकते हो आप पूरा का पूरा कम्प्लीटली। बहुत मज़ा आ रहा है हम लोगों का, सीरियसली बहुत मज़ा आ रहा है हम लोगों को। मोहित रो कैसा ड्राइव करते हो यार, आतिल मज़ा आ रहा है सब एक नंबर। देखो यार कितना मस्त व्यू आ रहे हैं सारे के सारे, देखो व्यूज कितने मस्त आ रहे हैं ड्राइव करते हैं हम लोगों को। वाकई में यार इससे अच्छा अपना ट्रिप स्टार्ट नहीं हो सकता था। हाँ सीरियसली इससे ट्रिप नहीं हो सकता, इससे अच्छा ट्रिप स्टार्ट नहीं हो सकता था। तो वाकई में बहुत मजा आ रहा है लोगों को चलने में। वो भी गाड़ी कौन सा स्पीड 100 चल रही है, आराम से चल रहे हैं बस फटकोट के मार। स्पीड में भी चलानी नहीं चाहिए, अगर आप फैमिली के साथ बैठे हो तो फिर गाड़ी को 180 तक उतना ही रखो, क्योंकि फायदा नहीं 120-140 का चला के, कोई फायदा नहीं। फैमिली साथ में बैठे हो तो बिल्कुल, अकेले हो बैठ कर ड्राइव करो। और ये पीछे सो चुके हैं सबके साथ बैठे हुए हैं, ये भी सो गए हैं, छोटू हमारा छोटू भी सो गया है। अब ये देखो कब तक हम लोग पहुंचते हैं अभी। वाकई में यार अभी बाइक जा रहे हैं लोग बाइक पर बारिश में भीगते हुए, और बारिश के मज़े लेते हुए मज़े लेते हैं। एक ही कंप्लेन होती है यार ऐसे हाईवे पर चलाने के बाद ना। हाँ हाँ क्या कंप्लेन ये है कि यार एक्चुअली में जो ट्रक चलते हैं ना, हाँ हाँ इंडिया है भाई मेरे, सब कुछ जायज है। बात तो सही बोल रहा है, बट वो ये फॉलो कोई करता नहीं यहाँ पर। एक्चुअल में 3 लाइन होती है, लेफ्ट साइड होती है, लेफ्ट लाइन होती है हमारी ट्रक्स के लिए हैवी व्हीकल्स के लिए, मिडल वाली लाइन होती है नॉर्मल राइड करने के लिए, राइट वाली लाइन होती है ओवरटेक करने के लिए। बट यहाँ तो सब अपनी मर्जी के मालिक हैं, चलाए जा रहे हैं चलाए जा रहे हैं चलाए जा रहे हैं। लेकिन यार ये तो थोड़ा सा ट्रक वालों को समझना चाहिए कि उनके हैवी व्हीकल्स हैं उनको लेफ्ट में चलना है। चलो बाकी कह रहा है इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, बाकी हम तो मज़े के लिए तो जा रहे हैं, हम पोल्टू मज़े ले तो जा रहे हैं हम लोग। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं कोकिला वन, एंड ये देखो ये शनि भगवान जी की मूर्त बनी हुई है, ये देख सकते हैं आप साइड में रोक मोहित यार, बट देखते हैं एक बार, ये देख सकते हो आप ये पेड़ के पीछे ये रही ये मूर्ति है, ये शनि महाराज की नीचे नीचे उतार मोहित देख नीचे उतार एक बार उधर लगा, ये देख सकते हो आप, देख सकते हो आप ये पूरी की पूरी मूर्ति शनि भगवान की है। ये हाईवे आ रहा है वहाँ से पीछे से, ये हाईवे अब ये दिख रहा होगा आपको इधर बोर्ड पर, ये शनि मंदिर अंदर की तरफ है, अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोमीटर अपना अंदर है ये कोकिला वन, और हम लोग अब अंदर जाएंगे इस रोड की तरफ से। ये रथ बना हुआ है अंदर ये, एंड ये मूर्ति, और ये रहे हम लोग इस कार से आए हम लोग, ये बैठा मोहित अंदर।